नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनिका महेश्वरी। फरीदाबाद शहर में बदमाशों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी से सटे फरीदाबाद शहर के पास सेक्टर 55 में दिन दहाड़े तीन नकाबपोश बदमाश घर में घुसे और उन्होंने चाकू की नोक पर सास और बहू से उनके जेवर और नकदी लूट लिए। घटना बुधवार सुबह करीब 10 बजे की बताई जाती है। बदमाश आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में घर में घुसते साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल घटना के संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। रमा गोयल, मैं और मेरी सास घर पर थे। मैं एकदम से आई, देखा तीन लोग घर में खड़े हैं, चाकू ले रखे हैं, तो मैं घबरा गई। फिर उन्होंने कहा बस चुप, आवाज मत निकालना और नहीं तो मार देंगे, हमें इस कमरे में लेकर आए हैं। फिर एक गर्दन पे चाकू रख दी मेरी भी और मेरी सास के भी, और फिर पिस्तौल भी निकाल ली। तीन लड़के थे, तीनों के हाथ में तो चाकू थे। फिर हमें अलमारी पे ले, हमारे कहीं सब उतार दो, जो पहन रखा हमने सब उतार दिया, कड़े बड़े सब, मेरी सास का भी सब उतरवा लिया। फिर हमें बाथरूम में ले गए कि आवाज़ मत निकालना। फिर वो अलमारी खोलने लगे, फिर जब उन्हें लॉकर मिले तो कहने लगे कि भाई ताला खोलो। हमें चाबी नहीं मिली घबराहट में, फिर हमने ढूंढी में मिल गई, फिर ताले खोलो नहीं तो तुम्हें मार के जाएंगे। फिर हमने खोला ताला, काफ़ी सारा कैश और गोल्ड गोल्ड मिला, सब ले गए। कितने कितने का माल था? 50-60 हज़ार कैश था और 25-30 सोले सोना था। 25-30 सोले, हाँ, जो हमने पहना हुआ था उसे मिला के। तो जब वो अंदर आए, दरवाजा आपने खोला? दरवाजा नहीं, पता नहीं दरवाजे से कैसे आए कैसे नहीं आए, हमने तो घर में खड़े देखे तीनों। अच्छा, दरवाजा खुला हुआ था उसमें? पता नहीं। तो पुलिस की शिकायत की है? हाँ, कर दी है। पुलिस कह रही है कि मिल जाएंगे 99%। पुष्पा देवी, ये 55 में हुआ है जी, और इस इधर की तरफ हुआ है। क्या हुआ? ये सारा जेवर निकाल लिया है, सारे जो सोने चांदी जो घर में थे, इन्होंने हमको धमकी दी है चक्कू की। कौन थे? अब क्या बता सकते हैं जी। कितने आदमी? तीन तीन आदमी थे और एकदम आए वो भक्कर। अच्छा। और उन्होंने हमारी बहू को धमकी दी है चक्कू की, और इतना बड़ा उनके पास चक्कू है कि हम मार के जाएंगे या तो हमें निकाल दो। फिर हमने डर की वजह से सारा सामान निकाल दिया, कैश वैश सब निकाल दिया हमने डर की वजह से। भैया लूट तो भैया जो चीज़ सारा सामान ले लियो, पुरानों बुरानो सब जेवर ले लिया। हाँ, कैश भी ले गए भैया। कौशल गोयल, ये सेक्टर 55 है जी, फरीदाबाद में। क्या हुआ? हाउस नंबर 48। आज सुबह यहाँ 10:15 बजे से लगभग तीन जने घर में घुस गए जी, जिनके हाथों में हथियार थे, पिस्टल भी थी, और मेरी वाइफ और माता जी घर में थी, और उनके गले पर रख के उनको धमकी देके, और पहले तो उनकी सारी चीज़ें जो पहनी हुई थी वो सब उतरवाई हैं, फिर अपने अलमारी खुलवा के जो भी उनको मिला वो ले गए सब। फिर बाहर ये अचानक काम वाली आ गई, उसने बेल बजाई जिससे वो चले गए। कैश तो थोड़ा ही था लेकिन ज्वेलरी ज़्यादा ले गए हैं। अब ये तो अभी नहीं बता पाऊँगा कितना है टोटल, बाकी ले गए जी, बाकी हमने कंप्लेंट वगैरह सब कर दी है। पुलिस कह रही है, दिलासा दे रही है कि उनको ढूंढेंगे, सामान भी वापसी मिलेगा, सजा दिलवाएंगे, जो भी है कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी हमारे पड़ोस में लगा हुआ था जिसमें वो गेट के अंदर आते हुए और जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पहचान नहीं है कोई? अभी कोई पहचान नहीं है नहीं, हमें किसी पे कोई शक नहीं है जी, अभी नहीं जाना नहीं कोई नहीं है जी, अभी कोई चोट वगैरह किसी को कुछ नहीं है जी। ये कौशल गोयल का मकान नंबर 48 सेक्टर 55 में है। ये सुबह 10 बजे अपने हार्डवेयर की दुकान है इसकी, वहाँ चले गए, और इसके पीछे घर पे इसकी माँ और इसकी पत्नी दोनों थे। 10:15 बजे के आसपास तीन नौजवान लड़के आए, जो उन्होंने गेट खुला था अंदर घुस गए, जो उनको डरा धमका के और कुछ ज्वेलरी वगैरह थी वो उतरवा के लूट के ले गए। कितने आदमी थे? तीन आदमी थे, ये अंदाज़ा नहीं, वो कंप्लेंट देंगे जैसे कंप्लेंट देते हैं, और अभी तफ्तीश जारी है। किसी को जान हानि किसी? ना कोई जान की कोई हानि नहीं है, बट कुछ लूट के ले गए हैं जरूर। वो बता रहे हैं चक्कू थे उनके पास और पिस्टल भी बता रहे हैं, अभी तफ्तीश कर रहे हैं हम, मौके पे गए हैं, फुटेज वगैरह ले रहे हैं, उनकी एक दो फुटेज आई भी हैं, उनको पहचान करवाएंगे, हम CIA की इमदाद ले रहे हैं, जल्दी कोशिश करेंगे जल्दी कामयाब मिले।
राष्ट्रीय समाचार पत्र पायनियर हरियाणा पढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित ई पेपर। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वीडियो को लाइक, शेयर और कॉमेंट करना न भूलें।